ओडिशा के बालेश्वर में हुए भयंकर ट्रेन हादसे में अब तक लगभग 295 यात्रियों की मौत हुई है और कम से कम 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस ट्रेन दुर्घटना में पश्चिम बंगाल के 31 लोगों की अब तक मौत होने की खबर है, जबकि 544 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उड़ीसा के बालेश्वर में हुए भयंकर ट्रेन हादसे में अब तक लगभग 295 यात्रियों की मौत हुई है और कम से कम 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुक्रवार शाम को जब हादसे की खबर आई थी, तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतना भयानक हो सकता है। उड़ीसा के बालासोर में हुई 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश की संवेदना इस वक्त उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। इस सरकार की प्राथमिकता यही है कि ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू कैसे हो। सूत्रों के अनुसार इस ट्रेन दुर्घटना में पश्चिम बंगाल के 31 लोगों की अब तक मौत होने की खबर है, जबकि 544 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 25 घायलों का इलाज उड़ीसा और 11 घायलों का इलाज पश्चिम बंगाल के अस्पताल में चल रहा है। दक्षिण 24 परगना के बसंती के 5 लोगों की बालेश्वर में ट्रेन हादसे में मौत हो गई है। इनमें 3 सगे भाई भी शामिल हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं। इसके अलावा जिले के कई और लोगों की इस ट्रेन हादसे में मौत होने की आशंका है। मृतक 3 भाइयों के नाम हरण गायन, निशिकांत गायन और दिवाकर गायन है और ये 3 कोरोमंडल एक्सप्रेस से आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुए थे। वे वहां धान की खेती के लिए जा रहे थे। वे पहले भी कई बार आंध्र प्रदेश का दौरा कर चुके थे, लेकिन शुक्रवार को बसंती के हरणेखली गांव निवासी उन 3 भाइयों की भीषण ट्रेन हादसे में मौत हो गई। इसके अलावा 2 और लोगों की मौत हुई है। इनके नाम विकास हालदार और संजय हालदार हैं। बारुईपुर थाना क्षेत्र के धपड़पी 2 ग्राम पंचायत के पश्चिम मलिकपुर का रहने वाला युवक सौरभ राय कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का यात्री था और इस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे में डायमंड हार्बर अनुमंडल के 17 लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से 1 की मौत हो गई। इसके अलावा 2 यात्रियों में से मगरहाट प्रखंड के 1 व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रेन हादसे में काकद्वीप के ग्राम पंचायत नंबर 3 मधुसूदनपुर निवासी मोहम्मद मोहिउद्दीन की मौत हो गई है। गौरतलब है कि ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार यानी 2 जून की शाम दर्दनाक रेल हादसा हुआ। हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बहानगा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। पटरी से उतरे ये डिब्बे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टिक एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश, एग्रो फ्रेश आटा। स्वास्थ्योज्जल देह सठिक पुष्टि एग्रो फ्रेश आटा रोटी।